और वैसे हाईवे पे चलाओ तो 18-19-20 करता रहता है, कभी कभी ये नॉब उखड़ जाता है बाहर। अच्छा ठीक है, उसके बाद इसका एसी ढंग से नहीं काम करता। हमने क्या नाम है, नेक्सॉन भी देखी है, नेक्सॉन थोड़ी बहुत पसंद आई थी, पर वही बात है इंजन में खास पावर नहीं थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु सिंगल, स्वागत है भाई आपका एक नई वीडियो में। तो आज हमारे साथ है संभव भाई। संभव भाई कैसे हो भाई? तो संभव भाई आज अपनी स्कोडा की कुशाक लेके आए हैं, तो भाई से सारी बात करेंगे, गाड़ी क्यों ली, क्या इसका प्राइस रहेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले भाई सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम संभव है, यही निरला रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, और बाकी आपका गाड़ी है भाई, ओनरशिप रिव्यू लेने आया हूं मेरा। तो भाई एक छोटी सी बात है कि आजकल जैसे Hyundai किया का बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड चल रहा है कि फीचर सबको चाहिए बढ़िया, अपना फिट फिनिश देखो उनकी है अच्छी, इसकी भी है वो मैं मानता हूँ, पर ऐसे क्या रीजन रहेगा आपको स्कोडा की तरफ आना पड़ा? भाई रीजन ये थे, पहली बात तो इंजन। हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे इंजन सबसे बेस्ट लगता है। हमने किया भी देखी, क्रेटा भी देखी आपकी Hyundai की, ठीक है, उसके बाद हमने क्या नाम है नेक्सॉन भी देखी, नेक्सॉन थोड़ी बहुत पसंद आई थी, पर वही बात है इंजन में खास पावर नहीं थी। तो लास्ट में हमने ये देखी। अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी, हैंडलिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। तो वो तो भाई अगर यहाँ पे ये लोगो लग गया तो इस चीज की तो बात ना ही करे तो ही अच्छा है। हैंडलिंग और इंजन तो जबरदस्त, कहने को 1000 cc छोटा सा इंजन है पर उस हिसाब से पावर बहुत अच्छी देता है ये, और टॉर्क वगैरह मतलब भगाने में हुआ है, जिसको भगाने का शौकीन हो ना कोई तो उसको कमी नहीं पड़ेगी पावर की कभी भी। बिल्कुल भाई, पर तेल भी तो ऐसे पीते हो उस टाइम, तेल भी फिर ऐसे ही पीते हैं। और एवरेज कितनी देती है अगर प्यार से चलाओ? भाई लोकल में आपकी दे देती है 8-9 की। अच्छा, और वैसे हाईवे पे चलाओ तो 18-19-20। हाईवे पे 18-19-20 मतलब अपना काम चला देती है बढ़िया, यूं फील नहीं होता कि अगर स्कोडा ले ली तो ज्यादा कम माइलेज दे रही है। तो भाई कितने की ली थी आपने? भाई ये हमें ऑलमोस्ट पड़ गई थी 16 लाख की पड़ गई थी। तो वेरिएंट कौन सा है? एम्बिशन, जो बेसिक ऊपर वाला आता है। बेसिक ऊपर वाला, तो अब वो वेरिएंट बंद हो चुका है, अब नहीं आता। अब इसका कुछ और नाम रख दिया इन्होंने, बेस का नाम क्लासिक रख दिया सबसे बेस। हाँ, और उसके ऊपर एक और मॉडल आया, पता नहीं कोई सा सिग्नेचर करके कुछ मॉडल था इनका। हाँ, फिर एक मोंटे कार्लो आ जाता था, एक्टिव आता था, एम्बिशन आता था, और आपका स्टाइल सबसे ऊपर था। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया भाई आपको लिए? भाई 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। 1.5 साल हो गया। हाँ, तो आपने सोचा नहीं कि अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ ये तो 1.5 वाली ले लूँ? भाई 1.5 उस टाइम सोचा नहीं, और जिस एजेंसी से लेके आए उनके पास 1.5 अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, और ये हमें सस्ती पड़ रही थी इस मारे ले आया। मेरे ख्याल से 2-3 लाख का फर्क तो होगा। नहीं, 2-3 लाख का तो खैर फर्क नहीं है ज्यादा, पर वो टॉप मॉडल में आते हैं ना सिर्फ 1.5 वाला भी इंजन आपका। नहीं, एम्बिशन में भी आता है। इसमें भी आता है? आता है। फिर तो भाई उस टाइम पे बढ़िया कर रही थी स्कोडा, क्योंकि जो मैंने जैसे वॉक्सवैगन की गाड़ी देखी है 1.5 पहले सिर्फ ऑटोमेटिक में आता था। हाँ, लेकिन स्कोडा आपको मैनुअल भी दे रही थी शुरू से ही। डीएसजी में आता था। हाँ, और जो स्कोडा वो आपकी शुरू से ही मैनुअल भी दे रही थी। हाँ, तो वॉक्सवैगन में अभी आया तो ये इसका एक प्लस पॉइंट रहता है मेरे हिसाब से। गाड़ी के अंदर चले भाई एक बार। आजा भाई। तो मैं ये पहले पूछना चाहूंगा भाई, जैसे आपने गाड़ी ली बेसिक ऊपर वाला वेरिएंट है, तो आपने बाहर से कुछ करवाया इसमें? बाहर से कुछ भी नहीं कराया, अभी आपके सीट कवर डलवाए थे 70 मैट्स हो गए हमारे, और आपके टिंट कराए। हाँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बस कुछ नहीं, और एक आपने डैश कैम लगा रखा है यहाँ पे। हाँ, डैश कैम तो खैर वो तो नीडी होगी, अब किसी का नहीं पता रोड पे क्या कौन कैसे चल रहा है। हाँ, कभी हम जैसे कोई ऐसे लिखना पड़ जाए। हाँ, तो अच्छा और बताओ भाई, जैसे आप कितने किलोमीटर चला दिया आपने? भाई 10,845 चल चुकी है आपके आगे, और एक मेजर सर्विस भी हो चुकी है इसकी। अच्छा, मेजर सर्विस मैंने सुना था भाई उसकी 15,000 रुपये होती है। 15,000 या एक साल से हमारी गाड़ी को ऊपर हो गया तो उन्होंने कॉल सेंटर वाले ने भाई डंडा दे रखा था, भाई सर्विस कराओ। तो इसमें जैसे देते हैं। अच्छा, स्कोडा बॉक्स वगैरह में जैसे वो सर्विस पैकेज देते हैं तो आपने ले रखा है? हाँ, 400 वाला ले रखा हमने। तो कितना कुछ कॉस्टिंग पड़ती है उसके, क्या फायदे हैं उसके? भाई कॉस्टिंग कोई खास आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से 25-26 हज़ार का पड़ता है। 25-26 हज़ार का, और 4 साल अपना फ्री हो जाएगा उसके लिए। हाँ बिल्कुल। तो मेरे क्या क्या कवर होता है उसमें? उसमें आपकी मेजर सर्विस ही होती है बस, और कोई ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। हाँ, ऑयल फिल्टर वगैरह, आपके ब्रेक पैड वगैरह होते होंगे। मतलब कोई भी हमें पैसा, एक भी पैसा नहीं देना उसमें सर्विस के टाइम पे, कुछ भी मतलब जाओ और करवा के आ जाओ। जैसे और गाड़ी भी तरह जैसे 3 सर्विस फ्री देंगे, 2 सर्विस धोने में निकाल देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अच्छे से ही करेंगे। बाकी कई सारे लोगों मुझे सुना भाई स्कोडा की सर्विस अच्छी नहीं है, मैंने वहाँ कराई जहांगीरपुरी में आपके, भाई मुझे तो अच्छी लगी। भाई स्कोडा है अपनी क्वालिटी मेंटेन करके चलती है। बिल्कुल, ये वो मारुति वाला काम नहीं है कि आपको बस ले आओ गाड़ी ऐसी सरकारी ऑफिसों की तरह। हाँ, तो मतलब फर्क तो रहता है। देखो स्कोडा बॉक्स वगैरह अगर आप लोग, इन्होंने कोस्ट कटिंग बहुत ज्यादा कर रखी है। आप ये एसी के बैंड देखो कितने बेकार क्वालिटी के लगा रखी है। देखो ये भाई, ये क्या था पहले जैसे पोलो आती थी ना। हाँ, वो अपने रेट के हिसाब से ओवर थी गाड़ी, मतलब थोड़ी क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी उसकी इनसे। पर अभी ये देखो, आप ये प्लास्टिक देखो, इनका डैशबोर्ड तो अच्छा है, डैशबोर्ड हाथ लगा के देखो, ये प्लास्टिक देखो, ये अंदर से आवाज करता रहता है, कभी कभी ये नॉब उखड़ जाता है बाहर। अच्छा ठीक है, उसके बाद इसका एसी ढंग से नहीं काम करता। एसी नहीं काम करता ढंग से, सबको यही शिकायत है। मतलब वहाँ सर्विस सेंटर पे गया था, सबके पास आधे से मतलब 70% लोगों के पास ये कंप्लेंट होती है, भाई इसका एसी क्यों नहीं काम करता।
तो ऐसे ही क्या गड़बड़ भाई, इसमें सोल्यूशन हुआ फिर इसका? सोल्यूशन कुछ भी नहीं है इसका, वो अपना कंप्यूटर पर कुछ लगाते हैं हाँ। उसके लिए कुछ टाइम के लिए सही हो जाता है, फिर वैसा ही होता है। इस हमारे कुछ कारण ये भी मैंने वो मतलब प्रिंट करवा रखी है। तो भाई ये तो एक मेजर इशू मैं कहूँगा, अगर स्कोडा वाले से कोई देख रहा है तो मैं कहूँगा अपना थोड़ा इस चीज को सुधार सकते हैं, क्योंकि एसी देखो अगर इंडिया जैसे देश में है ना, जर्मनी तो है नहीं है कि आपके यहाँ मेरे ख्याल से जर्मन के हिसाब से बना रखा है इसका एसी हाँ। क्योंकि वहाँ का मौसम तो ठंडा रहता होगा हाँ। कुछ हो सकता है या फिर कुछ इशू भी हो इनके लोड की, कुछ इशू हो कुछ गाड़ियों में। स्कोडा की किसी गाड़ी का एसी काम नहीं करता। अच्छा ऐसा भी है क्या? किसी का नहीं काम करता। तो ये स्कोडा की तरफ से मेरे को एक इशू मिला, बाकी लोग अक्सर खुश ही रहते हैं इसकी गाड़ी से, ज्यादा वो करते नहीं भाई। मैं तो मोर देन इनफ सेटिस्फाइड हूं, बस ये कॉस्ट कटिंग और आपका इसी वगैरह दिक्कत है और कुछ हाँ। नहीं, बाकी हैंडलिंग के मामले इस गाड़ी से ऊपर हैंडलिंग के किया क्रेटा आपकी, ये तो भाई आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है और पेट्रोल इंजन के मामले भाई क्या पिकअप है इस गाड़ी का। पेट्रोल के हिसाब से अगर 1000 सीसी के हिसाब से भी देखें ना, उस हिसाब से भी काफी अच्छा पिकअप वगैरह इसका, बढ़िया पिकअप है। तो एक चीज इसमें खास लगती है मेरे को, जो पोलो में आती थी पहले, जो इसका रिवर्स है ना वो ऐसे नीचे दबा के लगता है, दबके लगता है। सभी गाड़ियों में वैसे ऊपर उठा के नोब उठा के, और ऊपर से कैमरा क्वालिटी का कोई खास आपको लगेगी नहीं, इतनी कॉस्ट कटिंग कर रखी है। देखो कैमरा क्वालिटी काम चलाने वाली है, काम चलाने वाली, रात को तो बिल्कुल अंधेरा हो सकता है। मैंने सोचा था अलॉयज लगवाऊं, अलॉयज भी नहीं लग सकते। मैंने सोचा बेस चिपटी करवा दूं, अलॉयज क्यों नहीं लग सकते? इसका डायमेंशन कुछ अजीब सा ही है, लग ही नहीं सकते। अगर लग भी जाएंगे ना बबलिंग वगैरह का इशू आ जाता है इनमें। अच्छा तो मेरे हिसाब से फिर जैसे चाइनीज अलॉय होते ना वो प्रेफर नहीं, चाइनीज ले लो इंडियन ले लो, इसमें कोई कामयाबी नहीं है। अच्छा ऐसा भी है? सब कुछ ट्राई करके देख लिया, ऊपर से हमने इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी सर्च मारा, बोलते भाई लग तो जाएगा, पर आउटपुट वगैरह के लिए तार वगैरह कटेगी। और कोई इशू लगता भाई आपको इस गाड़ी में? इशू बस ये मेन एसी और आपका माइलेज का। और स्पेस वगैरह कैसा है इसमें? स्पेस वगैरह अच्छा है, बस सीट का कंफर्ट थोड़ा कम है। सीट का कंफर्ट कम लगा आपको लॉन्ग रूट के हिसाब से? लॉन्ग रूट के हिसाब से कम है, सबसे ज्यादा पीछे वाली सीट में, आगे वाले का तो फिर भी ठीक है। अच्छा तो आप तक कंटिन्यू कितने किलोमीटर चलाई आपने? कंटिन्यू ये मैंने चलाई है 250-300 किलोमीटर, मतलब ज्यादा नहीं चलाई। नहीं ज्यादा नहीं, 2.4 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रही है बस भाई यही है इतनी देती है ये, क्योंकि अभी खड़ी है हाँ। तो इस हिसाब से दे रही है, अगर चलेगी तो मेरे ख्याल से 12-13 आराम से पहुंच जाएगी। 12-13 नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती, बहुत ज्यादा आराम से हल्के पंजे में चलाओगे जब जाके 12-13 पहुंच। और ये गाड़ी है नहीं हल्के पंजे वाली, हल्के पंजे वाली है नहीं ये पंजा, इसका बस है या तो भाई मजे के लिए चला लो या तो भाई तेल की सुई देख लो ये वही, अगर ये गाड़ी ले ली फिर भाई भूल जाओगे आप एवरेज का कुछ कर रहे हो इसमें है ना। तो रिकमेंड करोगे लोगों को अभी ये गाड़ी, अब क्योंकि इसके रेट भी बढ़ चुके हैं इसके? हाँ रेट बढ़े नहीं है, डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, बढ़िया डिस्काउंट दे देते हैं। अच्छा, अच्छा, 1.5-2 लाख का डिस्काउंट तो मिल रहा है। अच्छा 1.5-2 लाख तक का मिल रहा है अभी के टाइम पे। अच्छा बाकी मैं तो सेटिस्फाइड हूं इस गाड़ी से, बढ़िया है। तो मतलब रिकमेंड करोगे लोगों को, अगर 15-16 लाख का बजट है तो ये गाड़ी 15-16 लाख ले सकते हो। तो चलो भाई वीडियो एंड करते हैं, वीडियो बताना आपको कैसी लगी, और अगर भाई की आईडी में पूछूं भाई की आईडी पर क्या रहेगी भाई आपकी? भाई sam_pvt20। तो भाई की आईडी आपको यहाँ नीचे दिख रही होगी, तो भाई को फॉलो करें, और इसी गाड़ी के हिसाब से कोई भी अगर इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखनी है तो आप भाई को मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम जरूर वर्कआउट करेंगे उस पर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।